हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इडियो ट्री में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम BHDE 143 प्रेमचंद के चैप्टर से आज इकाई 6 जिसमें हम साहित्य का उद्देश्य को पढ़ेंगे और समझेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर से आपको चाहे इग्नो के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठा लें या फिर जो भी इग्नो के नेक्स्ट आगे एग्जाम आने वाले हैं उनमें साहित्य का उद्देश्य से संबंधित प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेगा और मिलते हैं। तो चलिए इस महत्वपूर्ण टॉपिक को जिस पर से प्रश्न आने के पूरी संभावना रहती है इसे अच्छे से समझते हैं। और साथ ही अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही अगर BHDE 143 का आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इस पे मैं और भी कई वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को जिसमें हम पढ़ेंगे साहित्य का उद्देश्य। जब हम साहित्य की उद्देश्य की चर्चा करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम जो कुछ भी लिख दें और वह साहित्य हो जाए। साहित्य होने के लिए आप जो कुछ भी लिखते हैं या साहित्य की जो भी रचना होगी उसमें कोई ना कोई सच्चाई प्रकट होनी चाहिए, जिसकी भाषा प्रौढ़ होनी चाहिए, परिमार्जित होनी चाहिए एवं सुंदर होनी चाहिए, जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो, वही से ही हम साहित्यिक रचना कहेंगे। और साहित्य में यह गुण पूर्ण रूप से उसी अवस्था में उत्पन्न होता है जब उसमें जीवन की कुछ सच्चाइयाँ और अनुभूति व्यक्त की जाती है। तिलस्मी कहानियों, भूत प्रेत की कथाओं और प्रेम वियोग के आख्यानों से किसी जमाने में हम भले ही प्रभावित हुए हों पर अब उनमें हमारे लिए बहुत कम दिलचस्पी है। इसमें संदेह नहीं कि मानव प्रकृति का मर्मज्ञ साहित्यकार राजकुमारों की प्रेम गाथाओं और तिलस्मी जो कहानियां हैं वह जीवन की सच्चाई वर्णन कर सकती है और सौंदर्य की सृष्टि कर सकता है, परंतु इससे भी इस सत्य की पुष्टि ही होती है कि साहित्य में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि वह जीवन की सच्चाइयों का दर्पण हो। साहित्य की जो भी रचनाएं हैं, चाहे वो राजकुमारों की प्रेम गाथाएँ हों या तिलस्मी कहानियाँ, वह हम पे प्रभाव डालती है। और वह प्रभाव इसलिए डालती है क्योंकि जीवन की कुछ सच्चाइयों को वहाँ हम प्रकट करते हैं, फिर आप उसे जिस चौखटे में चाहे लगा सकते हैं। चीरे की कहानी और गुलाबुलबुल की दास्तान भी उसके लिए उपयुक्त हो सकती है। साहित्य की बहुत सी परिभाषाएं की गई है, मेरे विचार से उसकी सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है। जब हम साहित्य की परिभाषा की बात करते हैं तो जो सबसे सर्वोत्तम परिभाषा लगती है वह है जीवन की आलोचना। साहित्यिक जीवन की आलोचना है, चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे कहानियों के या काव्य के, उसे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए। जो भी हम साहित्य लिखते हैं वह चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, चाहे वह निबंध के रूप में हो, कहानी के रूप में हो, चाहे काव्य के रूप में हो, उसे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए। हमने जिस युग को अभी पार किया है उसे जीवन से कोई मतलब न था। हमारे साहित्यकार कल्पना की सृष्टि खड़ी करके उसमें मनमाने तिलिस्म बांधा करते थे। कहीं फिसनाए अजायब की दास्तान थी, कहीं दास्तान ख्याल की और कहीं चंद्रकांता संतति की। इन आख्यानों का उद्देश्य केवल मनोरंजन था और हमारे अद्भुत रस प्रेम की तृप्ति। साहित्य का जीवन से कोई लगाव नहीं साहित्य का जीवन से कोई लगाव है यह कल्पनानित था। कहानी कहानी है, जीवन जीवन है, दोनों परस्पर विरोधी वस्तुएं समझी जाती थी। कवियों पर भी व्यक्तिवाद का रंग चढ़ा हुआ था। प्रेम का आदर्श वासनाओं के तृप्त करना था, प्रेम का आदर्श वासनाओं को तृप्त करना था और सौंदर्य का आँखों को। इन्हीं श्रृंगारिक भावों को प्रकट करने में कवि मंडली अपनी प्रतिभा और कल्पना के चमत्कार दिखाया करती थी। पद में कोई नई शब्द योजना, नई कल्पना का होना दाद पाने के लिए काफ़ी था, चाहे वह वस्तु स्थिति से कितनी ही दूर क्यों ना हो। आसियाना और कफस, बर्फ और खिशमन की कल्पनाएं
विरह दशाओं के वर्णन से निराशा और वेदना की विविध अवस्थाएं इस खूबी से दिखाई जाती थी कि सुनने वाले दिल थाम लेते थे। और आज भी इसी ढंग की कविता कितनी लोकप्रिय है, इसे हम और आप निसंदेह काव्य और साहित्य का उद्देश्य हमारी अनुभूतियों की तीव्रता को बढ़ाना है। काव्य और साहित्य का जो उद्देश्य है वह हमारी जो अनुभूति है उसकी तीव्रता को बढ़ाना है। पर मनुष्य का जीवन केवल स्त्री पुरुष प्रेम का जीवन नहीं है। क्या वह साहित्य जिसका विषय श्रृंगारिक मनोभावों और उससे उत्पन्न होने वाली विरह व्यथा निराशा आदि तक ही सीमित हो, जिसमें दुनिया और दुनिया की कठिनाइयों से दूर भागना ही जीवन की सार्थकता समझी गई हो, हमारी विचार और भाव संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। श्रृंगारिक मनोभाव मानव जीवन का एक अंग मात्र है। जिस साहित्य का अधिकांश इसी से संबंध रखता हो वह उस जाति और उस युग के लिए गर्व करने की वस्तु नहीं हो सकता और न उसकी सुरुचि का ही प्रमाण हो सकता है। क्या हिंदी और क्या उर्दू, कविता में दोनों ही एक ही हालत है। उस समय साहित्य और काव्य की विषयों में जो लोक रुचि थी उसके प्रभाव से अल्पित रहना सहज न था। सराहना और कदरदानी की हवस तो हर एक को होती है। कवियों के लिए उनकी रचना ही जीविका का साधन थी और कविता की कदरदानी रईसों और अमीरों के सिवा और कौन कर सकता है। हमारे कवियों को साधारण जीवन का सामना करने और उसकी सच्चाइयों से प्रभावित होने के या तो अवसर न थे या हर छोटे बड़े पर कुछ ऐसी मानसिक गिरावट छाई हुई थी कि मानसिक और बौद्धिक जीवन रह ही नहीं गया था। हम इसका दोष उस समय की साहित्यकारों पर ही नहीं रख सकते। साहित्य अपने काल का प्रतिबिंब होता है। जो भाव और विचार लोगों के हृदय को संपादित करते हैं वहीं साहित्य पर भी अपनी छाया डालते हैं। ऐसे पतन के काल में लोग या तो आसक्ति करते हैं या अध्यात्म और वैराग्य में मन रमाते हैं। जब साहित्य पर संसार की नश्वरता का रंग चढ़ा हो और उसका एक एक शब्द नैराश्य में डूबा हो, समय की प्रतिकूलता के रोने से भरा हो और श्रृंगारिक भावों का प्रतिबिंब बन गया हो, तो समझिए कि जाति जड़ता और ह्रास के पंजे में फंस चुकी है और उसमें उद्योग तथा संघर्ष का बल बाकी नहीं रहा। उसने ऊंचे लक्ष्यों की ओर से आंखें बंद की, दुनिया को देखने समझने की शक्ति विलुप्त हो चुकी है या लुप्त हो चुकी है। परंतु हमारी साहित्यिक रुचि बड़ी तेजी से बदल रही है। अब साहित्य केवल मन बहलाव की चीज नहीं है, मनोरंजन के सिवा उसका और भी कुछ उद्देश्य है। अब वह केवल नायक नायिका के संयोग वियोग की कहानी नहीं सुनाता किंतु जीवन की समस्याओं का भी विचार करता है और उनका हल भी बताता है। अब वह स्फूर्ति या प्रेरणा के लिए अद्भुत आश्चर्यजनक घटनाएं नहीं ढूंढता और न अनुप्रास का अन्वेषण करता है किंतु उसे उन प्रश्नों में दिलचस्पी है जिसमें समाज या व्यक्ति प्रभावित होते हैं। उसकी उत्कृष्टता की वर्तमान कसौटी अनुभूति की वह तीव्रता है जिस नीति शास्त्र और साहित्यिक शास्त्र का लक्ष्य एक ही है। केवल उपदेश की विधि में अंतर है। नीति शास्त्र तर्कों और उपदेशों के द्वारा बुद्धि और मन पर प्रभाव डालने का प्रयत्न करता है। साहित्य ने अपने लिए मानसिक अवस्थाओं और भावों का क्षेत्र चुन लिया है। हम जीवन में जो कुछ देखते हैं या जो कुछ हम पर गुजरती है वही अनुभव और वही चोटे कल्पना में पहुंचकर साहित्य सृजन की प्रेरणा करती है। कवि या साहित्यकार में अनुभूति की जितनी तीव्रता होती है उसकी रचना उतनी ही आकर्षक और उच्च दर्जे की होती है। जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हम में शक्ति और गति न पैदा हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागृत हो, जो हमें सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न करे, वह अधिकारी नहीं है। यह साहित्य को परिभाषित और उसकी विस्तृत परिभाषा के रूप में आप इसे पढ़ रहे हैं और इसे आसानी से समझने का प्रयास करें, क्योंकि यह बहुत ही सरल शब्दों में है कि साहित्य वही है जो हम में अनुभूति की तीव्रता पैदा करती हो, जो हम में आकर्षक और ऊंचे दर्जे की विचार को जन्म देती हो, जिस साहित्य से हमारी
इच्छा जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति मिले, शक्ति और गति पैदा हो, हमारा जो सौंदर्य प्रेम है वह जागृत हो, सच्चा संकल्प और कठिनाई पर विजय पाने की जो सच्ची दृढ़ता बल है वह उत्पन्न करे, वही आज हमारे लिए साहित्यिक या साहित्य है। पुराने जमाने में समाज की लगाम मजहब के हाथ में थी। मनुष्य की आध्यात्मिक और नैतिक सभ्यता का आधार धार्मिक आदेश था और वह भय या प्रलोभन से काम लेता था। पुण्य पाप के मसले उसके साधन थे था उसमें लगभग सभी कार्य मजहब के नाम से होते थे। चाहे इसमें चाहे मनुष्य भय के या प्रलोभन से काम करता हो, जिसमें जो मुख्य साधन के रूप में जो उपयोग किया जाता था लोभ या भय के लिए, वह था पुण्य और पाप। अब साहित्य ने यह काम अपने जिम्मे ले लिया है और उसका साधन सौंदर्य प्रेम है। वह मनुष्य में इसी सौंदर्य प्रेम को जगाने का प्रयत्न करता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिनमें या जिसमें सौंदर्य की अनुभूति न हो। साहित्यकार में यह वृत्ति जितनी ही जागृत और सक्रिय होती है, उसकी रचना उतनी ही प्रभावमयी होती है। प्रकृति निरीक्षण और अपनी अनुभूति की क्षमता की बदौलत उसके सौंदर्य बोध में इतनी तीव्रता आ जाती है कि जो मनुष्यता से रहित है वह उसके लिए असह्य हो जाता है और वह शब्दों और भावों की सारी शक्ति से वार करता है। यूं कहिए कि मानवता दिव्यता और भद्रता का बाना बांधे होता है। जो दलित है, पीड़ित है, वंचित है, चाहे वह व्यक्ति हो या समूह, उसकी हिमायत और वकालत करना उसका फर्ज है। उसकी अदालत समाज है। उसकी अदालत के सामने वह अपना इस्तगासा पेश करता है और उसकी न्याय वृत्ति तथा सौंदर्य वृत्ति को जागृत करके अपना यत्न सफल समझता है। अब साहित्य जो है वह सामाजिक सौंदर्य, सामाजिक समस्या आदि सभी विषयों पर अपनी विचार को प्रकट करता है और उसके लिए उसकी समाधान को भी पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है। यूं कह सकते हैं कि समाज अदालत है और वह उसके सामने पूरे उसके साक्ष्य प्रस्तुत करता है और उस तरीके से यह न्याय वृत्ति का जो सौंदर्य है उसको जागृत करने में साहित्य सफल हुआ है। और आज के समय में जो लेखन कार्य किया जा रहा है वह कहीं ना कहीं इसी पर आधारित है। पर साधारण वकीलों की तरह साहित्यकार अपने मुवक्किल की ओर से उचित अनुचित सब तरह के दावे पेश नहीं करता, अतिरंजना से काम नहीं लेता, अपनी ओर से बातें गढ़ता नहीं। वह जानता है कि इन युक्तियों से वह समाज की अदालत पर असर नहीं डाल सकता। उस अदालत का हृदय परिवर्तन तभी संभव है जब आप सत्य से तनिक भी विमुख न हो, नहीं तो अदालत की धारणा आपकी ओर से खराब हो जाएगी और वह आपके खिलाफ फैसला सुना देगी। वह कहानी लिखता है पर वास्तविकता का ध्यान रखते हुए, मूर्ति बनाता है पर ऐसी कि उसमें सजीवता हो और भाव व्यंजकता भी। वह मानव प्रकृति का सूक्ष्म ज्ञान का अध्ययन करता है और इसका यत्न करता है कि उसके पात्र हर हालत में और हर मौके पर इस तरह का आचरण करें जैसे रक्त मांस का मनुष्य करता है। अपनी सहज सहानुभूति और सौंदर्य प्रेम के कारण वह जीवन के उन सूक्ष्म स्थानों तक जा पहुँचता है जहाँ मनुष्य अपनी मनुष्यता के कारण पहुँचने में असमर्थ है। साहित्यकार जब अपनी साहित्य रचना करता है तो वह अपनी ओर से कोई दावा या कोई सुझाव पेश नहीं करता। वह समाज में जैसी स्थिति परिस्थिति है, जो घटना घट रही है, उसी घटनाक्रम को उसी स्वरूप में प्रस्तुत करता है ताकि उस पर किसी भी प्रकार की लांछना न लग सके। वह हर एक उसी तरह प्रस्तुत करता है जिस प्रकार वह घटित हुई थी और वह अपने हर एक पात्र को इस प्रकार प्रकट करता है मानो वह मानव रक्तमांस से बना हुआ मनुष्य हो। उसे पढ़ते हुए पाठक को वह पात्र वैसे ही लगती है। आधुनिक साहित्य में वस्तु स्थिति चित्रण की प्रवृत्ति इतनी बढ़ रही है कि आज की कहानी यथासंभव प्रत्यक्ष अनुभवों की सीमा के बाहर नहीं जाती। हमें केवल इतना सोचने से ही संतोष नहीं होता कि मनोविज्ञान की दृष्टि से सभी पात्र मनुष्य से मिलते जुलते हैं, बल्कि हम इन इत्मीनान चाहते हैं कि वे सचमुच के मनुष्य हैं। लेखक ने यथासंभव उसका जीवन हुए आदमियों हमारा विश्वास नहीं है,
उनके कार्यों और विचारों से हम प्रभावित नहीं होते। हमें इसका निश्चय होना चाहिए कि लेखक ने जो सृष्टि की है वह प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर की गई हो और अपने पात्रों की जबान से वह खुद बोल रहा है।